भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 3 सितारे इस बार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान जंग में उतरे थे। मनोज तिवारी, रवि किशन और आजमगढ़ की धरती से दिनेश लाल यादव निरहुआ। जहां एक तरफ जीत रवि किशन और मनोज तिवारी को मिल गई, तो वहीं निरहुआ को हार का स्वाद चखना पड़ा। आजमगढ़ में निरहुआ की हार हुई और हार के बाद रवि किशन का बड़ा बयान सामने आ गया है। हालांकि इस बयान में रवि किशन ने निरहुआ की हार का जिक्र नहीं किया। अपने बयान में रवि किशन ने निरहुआ की हार को नजरअंदाज करके यहां पर तंज कसा है कन्हैया कुमार पर, जो बेगूसराय से खड़े हुए, बेगूसराय से हारे। रवि किशन ने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह का बयान देखकर आप कभी नहीं जीत सकते। एक तरफ निरहुआ की हार के बाद रवि किशन का कन्हैया कुमार पर तंज, राजनीति में मच गया है बड़ा हड़कंप। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से मेघा की रिपोर्ट।